हेलो एवरीवन, दिस मंच मोगिया। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल असाइनमेंट 7.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज है। इसका फर्स्ट पार्ट है, इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास ये फिगर है, इस फिगर में हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सामने देखो, ये जो फिगर है हमारी, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। x की वैल्यू निकाल ले, 180 माइनस 80 कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन है BY स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो एंगल्स है, एंगल वन और एंगल टू, हमने इसका नाम खुद रख लिया, ये फिगर में नहीं है, बुक में आपने इसका नाम रख लिया एंगल वन और एंगल टू। इन दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। तो वन एंगल हमें फाइंड करना है और टू कितना है हमारे पास, 120 डिग्री। तो एंगल हम वन फाइंड कर सकते हैं, एंगल वन 180 माइनस 120, तो एंगल वन कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री। ठीक है, अब इस ट्रेंगल को देखो, इन ट्रेंगल एबीसी, एबीसी के अंदर जो एंगल ए है वो कितने हमारे पास, 80 डिग्री, और एंगल सी कितना हमारे पास, 60 डिग्री। ये ट्रेंगल का हमने नाम दे दी ना एबीसी, तो हम इसको एंगल सी बोल सकते हैं, यहाँ पे जो एंगल वन है। ठीक है, ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं एंगल वन। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, एंगल सी 60 डिग्री। और हमें y मीन्स हमें एंगल b फाइंड करना है। ठीक है, अब एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो by एंगल सम प्रॉपर्टी, इसमें हम क्या करेंगे, एंगल a प्लस एंगल c प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। a हमारे पास 80 डिग्री, c कितना हमारे पास, 60 डिग्री। तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं, 60 प्लस 80 कितना हो गया, 140, 180 माइनस 140, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 100 और y की आ गई 40, तो हमारा आंसर आ गया 100.40 डिग्री, 100.40 डिग्री। अब ऑप्शन में देखो आपका कौन सा आंसर है, सी आंसर है 100 डिग्री और 40 डिग्री। तो दिस इज आवर आंसर। हां जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इन द एडजॉइनिंग फिगर द मेजर्स ऑफ सम ऑफ द एंगल्स आर इंडिकेटेड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें फोर ऑप्शन दिए हैं, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हमें दो एंगल्स दिए हैं इस फिगर में, ये एंगल 40 और ये एंगल 70 है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो लीनियर पेयर से वाई निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स क्या है हमारा, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। 40 और वाई को प्लस कर देंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं, वाई प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है, तो वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 180 माइनस 70, 110 डिग्री। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x के एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, मींस y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 110 डिग्री। तो 140 प्लस 110 तो कितना आ गया, 150 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 150 डिग्री और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 110 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आंसर है, देखो 150 40 नो, 110 70 ये भी नहीं है, 70 110 ये भी नहीं है। तुम्हारा ऑप्शन क्या है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन द फिगर गिवन एट राइट टू ऑफ द एंगल्स आर इंडिकेटेड, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल ए सी एक्स एंड ए सी बी। अब इस क्वेश्चन में दो एंगल्स हमें गिवन है और दो एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। कौन कौन सा एंगल फाइंड करना है, ए सी एक्स ये वाला, और कौन सा एंगल निकालना है, ए सी बी ये वाला, ए सी बी। क्लियर, तो हम इसमें क्या करेंगे,
एसी एक्स इसमें नेम दे सकते हैं, इसकी नेमिंग कर सकते हैं ताकि हमें इजी हो जाए क्वेश्चन। तो हमने एसी एक्स इसको नाम दे दिया वन और इसको नाम दे दिया हमने एंगल टू। ठीक है, तो यहां पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए सी एक्स, इसको हमने क्या नाम दिया एंगल वन, ये क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल, क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल। अब आपको इंट्रो में मैंने बताया था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, मतलब एंगल टू को हम छोड़ेंगे, वन जो अंदर वाला एंगल है उसके अपोजिट वाले जो एंगल है उनका सम होता है एंगल वन। तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। क्लियर, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अपोजिट या अपोजिट इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल के अपोजिट जो एंगल्स हैं उनका सम। तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, ए कितना है हमारे पास 50 डिग्री और बी कितना है 55 डिग्री। तो एंगल वन कितना आ गया हमारे पास 105 डिग्री। क्लियर, इट मीन्स वन मीन्स ए सी एक्स, तो ए सी एक्स कितना आ गया हमारे पास 105 डिग्री। अब हमें एंगल टू को निकालना, मीन्स ए सी बी, ए सी बी को हमने क्या नाम दिया है एंगल ए सी बी को हमने नाम दे दिया एंगल टू, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम कर दें एंगल वन प्लस एंगल टू लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर फर्स्ट एंगल हमारा आ गया जो एंगल वन है, कितना आ गया 105 डिग्री, 180 में से 105 माइनस कर देंगे तो एंगल टू आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप एक ट्रायंगल ले लो एबीसी, ट्रायंगल के दो एंगल्स हमें गिवन है, थर्ड एंगल हम फाइंड कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, किसी भी तरीके से कर लो आपके विषय। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, तो मैं यहाँ पे आपको लीनियर पेयर से बताती हूँ। एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या है हमारा लीनियर पेयर। ठीक है, तो वन एंगल हमें फाइंड करना है, वन हमारे पास है, वन क्या हमारे पास 105 डिग्री, और टू हमें फाइंड करना है। तो एंगल टू कितना आ गया 180 माइनस 105 डिग्री, तो 180 में से अगर हम 105 माइनस करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 75 डिग्री। तो एंगल टू हमारे पास कितना आ गया, कितना आ गया 75 डिग्री। ठीक है जी, तो अंदर वाला एंगल आ गया 75 डिग्री। अब हम इसका आंसर लिखते हैं, एंगल ए सी एक्स आ गया हमारा 105 डिग्री और एंगल ए सी बी यानी कि एंगल टू कितना आ गया 75 डिग्री। क्लियर, ये हमारा आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड एंगल ए बी डी, ऑल्सो फाइंड एंगल ए बी सी इफ एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल ए बी सी। अब क्वेश्चन में देखो, यहां में ये दो एंगल गिवन है और दो एंगल हमें फाइंड करने हैं, कौन कौन से, ए बी डी, ए बी, ए बी डी, ये वाला एंगल फाइंड करने। ठीक है, और ए बी सी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। हमने इनका नाम रख लिया एंगल वन और इसका रख लिया टू। क्लियर, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल ए बी सी। जो सी एंगल है वो ए बी सी का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो अगर हम ये लेट कर लें, लेट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स, ए बी सी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल वन, ए बी सी इसको हमने लेट कर लिया एक्स। ठीक है, तो एंगल सी कितना हो गया 3 एंगल ए बी सी,
और ए बी सी को हमने लेट कर लिया एक्स, तो एंगल जो सी है वो कितना आ गया 3x, क्योंकि ए बी सी कितना हमारा एक्स, ठीक है, तो ए बी सी की जगह हमने क्या कर दिया एक्स, तो एंगल सी कितना हो गया 3x। यहां तक समझ आया? ओके, नाउ सी, अब ये ट्रायंगल ले लो ए बी सी, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए 100 डिग्री, एंगल बी x और एंगल सी 3x, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये देखो ये फिगर है हमारी, हमने बनाई, ये था हमारा सी बी डी, ठीक है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो जो एंगल बी है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एंगल बी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, बट जब हम ट्रेंगल का नाम लिखते हैं, हमने ये ट्रेंगल का नाम लिख दिया ए बी सी, तो इसमें हम नाम लिखने के बाद हम इसको कह सकते हैं एंगल ए एंगल बी एंगल सी। अब ये जो एंगल ए है यहाँ पे, ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे जो ए एंगल है ये टू पार्ट्स में डिवाइड है, इसका सम 180 डिग्री है क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने ट्रेंगल का नाम दे दिया ए बी सी, एंगल ए 100 डिग्री है, इस ट्रेंगल के अंदर ये वाला ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है, तो बी एक्स है और सी कितने है 3x, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। अब ए हमारे पास कितने है 100 डिग्री, बी हमारे पास एक्स और एंगल सी जो है वो कितना है 3x, इन सारों का सम 180 डिग्री आ गया, 1x प्लस 3x कितना आ गया 4x, 1x प्लस 3x 4x प्लस 100, तो हम यहां पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये प्लस 100 उधर जाके माइनस 100 हो गया, तो 4x इज इक्वल टू 80, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 80/4 20 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। अब x हमने क्या लेट किया था एबीसी, तो एबीसी क्या आ गया हमारे पास, एबीसी आ गया 20 डिग्री, एक एंगल फाइंड हो गया एबीसी, ठीक है। अब देखो ये हमारा आ गया 20 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा एंगल सी, वैसे बोला नहीं उसने फिर भी हम निकाल देते हैं, एंगल सी कितने 3x, x की जो वैल्यू है ये वो 20 डिग्री, तो C कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे, उससे पहले ये देखो CAD एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पे हम इसका नाम रख लेते हैं 3 और इसका नाम रख लेते हैं 4, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां पे हम क्या लिखेंगे लीनियर पेयर, 3 हमारे पास 100 डिग्री है, 4 हम फाइंड कर लेते हैं, तो एंगल 4 आ गया हमारे पास 80 डिग्री, ये वाला। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी इसमें एंगल ए कितना है 80 डिग्री, एंगल बी ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, और एंगल डी हमारे पास कितना है 70 डिग्री, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए हमारे पास 80 डिग्री, बी हमें फाइंड करना है और डी हमारे पास 70 डिग्री, तो 80 प्लस 70 150, तो B की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 180 माइनस 150 डिग्री, इट मींस 30 डिग्री, तो ये हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। क्या निकालना था हमें ABD, तो ABC तो हमारा पहले निकल गया, तो ABD कितना निकल गया, ABD कितना निकल गया हमारे पास 30 डिग्री, तो वी कैन राइट एन एंगल हियर, एंगल ABD इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्लियर।
Let's start question number 4. In the figure given at right, find angle ACD and angle AED. अब ये जो मैं फिगर दिया है इसमें देखो ध्यान से, ये हमें 3 एंगल्स गिवन है, ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, एसीडी। अब अगर हम इस ट्रायंगल को ले लो, मैं आपको अलग से फिगर बना के दिखाती हूँ। ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक। एंगल ए हमें दिया 15 डिग्री और बी हमें दिया 40 डिग्री, ठीक है। अब हमने इस लाइन को इंक्रीज कर दिया, बीसी को बढ़ा दिया, तो हमारे पास ये एंगल आ गया ए सी डी। ए सी डी हमारा एक्सटीरियर एंगल है। अब आपको पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इन द गिवन फिगर एंगल ए सी डी क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल ए हमें कितना दिया है 15 डिग्री और एंगल बी कितना दिया है 40 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी है और कुछ क्वेश्चंस में आपको ये लिखनी भी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा ए सी डी, तो ये किसके इक्वल होगा ए सी डी, इन दोनों के, यही है हमारे अपोजिट इंटीरियर एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। तो ए सी डी हमारा आ गया 15 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 55 डिग्री। एक एंगल हमारा आ गया ए सी डी 55 डिग्री। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है ए ई डी, कौन सा फाइंड करना है ए ई डी। अब यहां पे देखो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। अब अगर हम ये ट्रायंगल ले लेंगे वाला सी ई डी, इन ट्रायंगल सी ई डी एंगल एई डी इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। अब हमारा ये एंगल आ गया था, कितना आ गया था हमारा ये 55 डिग्री, और ये हमारा एंगल गिवन है हमें 52 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, क्लियर। तो ये जो एंगल है हमारा एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों के इक्वल हो जाएगा, ये हमारा कितना आया 55 डिग्री, ठीक है। ये दोबारा फिगर आप जो मत बनाना, वैसे मैंने आपको बनाने के लिए। अब हमने क्या निकालना है, ए ए ई डी एंगल निकालना है, ठीक है। हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ई सी डी एंगल ए ई डी क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है ना, तो यहां पे मैं हम लिख सकते थे इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रेंगल के अंदर ए सी डी क्या था हमारा एक्सटीरियर एंगल, और ट्रेंगल ई सी डी के अंदर जो हमारा एंगल है ए ई डी, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, मीन्स एंगल सी प्लस एंगल डी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सी है हमारा 55 डिग्री और डी है हमारा 52 डिग्री, ठीक है। 55 प्लस 52 कितना आ गया 107 डिग्री। तो एंगल ए ई डी, ये जो मैंने सेकेंड एंगल फाइंड करना है, ए ई डी कितना आ गया 107 डिग्री, तो ये आ गया हमारा आंसर।